हाय हेलो राम राम जय श्री कृष्णा बीकानेरी ब्रदर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सायर उमा शंकर पूनिया, मैं ऐसे ही घूमने आया था अपने। मैंने सुना है एक जगह का नाम सुना है लिखमी देसर, जो डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर ज़िले में है, वहाँ एक लिखमी देसर गांव है। तो मैं वहाँ आया हूँ और यहाँ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत कुछ अमेजिंग इफेक्ट इस गाँव के बारे में। यहाँ के गाँव का सीन ये है कि यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, यहाँ से 500 मीटर दूर आगे जसनाथ जी संप्रदाय का जो मंदिर है वो बना हुआ है। और उसके बारे में यहाँ लोगों ने मुझे बताया कि वहाँ पे 9 जीवित समाधि है, मतलब 9 जिंदा लोग समाधि ले चुके हैं उस गांव में, उस मंदिर में, उस जगह। तो आप देख सोच सकते हो कि कितना तेजस्वी स्थान है। और उनके बाद में अभी जो मंदिर का काम चल रहा है बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है, बहुत बड़ा मंदिर है। तो मैं वहाँ जाऊँगा, पुजारी वगैरह जो हैं उनसे भी बात करूँगा, लोगों से भी मिलूँगा, तो वो बताएँगे हमें कि और क्या है। और एक और मैंने सुना था कि यहाँ पर एक बार आर्मी की बटालियन आई थी, तो उसने क्या किया कि एक मोर मार दिया। हो सकता है गलती से मारा हो, जानबूझ के मारा हो, लेकिन मोर की डेथ हो गई। तो उस मोर की डेथ होने की वजह से सारी की सारी बटालियन की आंखें चली गई थी। तो वो जो आंखें हैं वो बटालियन की तब आई जब वो गांव की सीमा छोड़कर बाहर चले गए। और आगे की जो सूचना है मैं आपको वहाँ जाके लोगों से पूछ के बताता हूँ। तब तक मेरे साथ में बने रहे बीकानेरी ब्रदर, लाइक शेयर कमेंट कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो यार, थोड़ा प्यार बनाए रखो। लव यू ऑल। तो भाई मैं आ चुका हूँ मंदिर में और मैं आपको दिखाऊंगा मंदिर का जो पूरा है। अभी मैं मंदिर में ही खड़ा हूं और मेरे जो पीछे है हवन कुंड, मतलब जो ऊपर से ओपन लग रहा है, आपको ओपन दिख रहा है। यहां नीचे जो मिट्टी पड़ी है यहां पे हवन होता है। उसके अलावा मैं मंदिर में खड़ा हूं तो आप मेरे पीछे मतलब देख सकते हो जो ग्राउंड है बगीचे टाइप में, और जो ऊपर मेन मंदिर है जो ऊपर बन रहा है, और जो ये नीचे जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो 9 जीवित समाधियाँ जो है वो यहाँ पे ली गई है। तो वो चीज़ें मैं आपको कल जो मेरा न्यूज़ वाला चैनल है तो उस पर सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैं आज यहाँ आया तो हूँ, सरपंच जो है यहाँ के वहाँ उनसे भी मेरी बात होगी और पुजारी जी से भी बात हुई है। तो पुजारी जी भी कहीं बाहर है और सरपंच साहब है वो भी यहाँ है नहीं, तो मैं उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा आपको डिटेल में बता नहीं पाऊँगा कि क्या है क्या सीन है। बट आप एक बार मतलब जो दूसरा जो कल वीडियो मैं बनाऊँगा 7:00 का बोला है सरपंच साहब ने, क्योंकि उस टाइम मंदिर में क्या होती है पूजा वगैरह होती है, तो सारे के सारे जो हैं हमें यहीं मिल जाएंगे, तो वो हमें सारी चीज़ें बताएंगे। उनके पास में लिखी भी पड़ी है जो चीज़ें होनी चाहिए जो नहीं होनी चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें जो है इस मंदिर का इतिहास है, जो मंदिर की बातें, जो मंदिर का जो राज है, ये इस जो इलाके में आप मंदिर बना है ना, तो जो उसका मेन जो राज है वो हमें सारा का सारा जो बता दिया जाएगा। और मैं आपको मंदिर भी दिखाता हूँ, उससे पहले कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। मतलब इस मंदिर का सबसे बड़ा जो रहस्य मेरे को लग रहा है ना, देखो यहाँ मंदिर बना हुआ है, नीचे 9 जीवित समाधियाँ। उनके बाद में आप लोगों को मैं दिखाता हूँ मेरे फ़ोन से कि अगर आप लोग देख पाओ तो उस जो पीछे का जो मेरा साइड है ना, वहाँ पर कुछ समाधियाँ बनी हुई है, यहाँ भी कुछ लोगों को दफनाया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं मंदिर के पीछे शमशान जो दफनाया जाता है, उसके अलावा शमशान दूसरी जगह भी है वहाँ दफनाया जाता है। तो ये कोई ना कोई राज है कि मंदिर के पीछे जिन लोगों को दफनाया जाता है वो क्यों, और बाहर जो दफनाया जाता है वो क्यों। तो मतलब ना एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है इस मंदिर में। तो वो जो सारा का सारा रहस्य है, जैसे ही मैं पुजारी जी से मिलता हूँ या फिर यहाँ के जो मेन जो यहाँ पुरजो जो पीढ़ियों से बड़े बुजुर्ग हैं उनसे मेरी कल सुबह बात होती है, तो मैं सारा का सारा आप सबके सामने क्लियर करूँगा। और अभी मैं आपको थोड़ा ना मंदिर के दर्शन करवा देता हूँ कि मंदिर कैसा है, क्या है जो ऊपर का है, और जो समाधियाँ वगैरह है वो मैं कल सुबह 7:00 का जो वीडियो लाऊँगा उसमें आपको सब दिखाऊँगा, ठीक है। तो आप सब लाइक शेयर कमेंट कर देना और सारे के सारे सपोर्ट करो। मैं आपको ऐसे ही रहस्यमयी चीज़ें जो अपने धर्म से जुड़ी हुई है, जो मतलब एक बहुत बड़ा रहस्य होता है अपने आप में, वैसी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप लोग इन चीज़ों से भी अवगत, आप लोगों का अवगत होना ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है अपनी ज़िंदगी में। कि यार आप सोच सकते हो 9 जिंदा लोगों की समाधि, यानी 9 जिंदा लोगों ने समाधियाँ ली है, तो मतलब बहुत बड़ा रहस्य है। उनमें इतनी ताकत है, तेजस्वी कितने लोग होंगे, और इतना बड़ा मंदिर बन रहा है पूरा का पूरा पत्थर का। तो वो सारा का सारा मतलब एक होता है ना कि एक सोचने वाली चीज़ें हैं, तो वो सब आप मैं आपको सोचने पे मजबूर कर दूंगा और उसकी सारी हिस्ट्री बताऊंगा। एक एक चाहे वीडियो लंबा बने चाहे शॉर्ट बने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा। और मैं अभी आपको थोड़ा मंदिर दिखा देता हूँ, ठीक है। यह है जो मंदिर की सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से चढ़ना शुरू होते हैं, ये मंदिर की सीढ़ियाँ हैं। और जैसे ही जाते हैं तो मतलब आप देख लो कि कितना शानदार दृश्य जो मंदिर का है, जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो कितना शानदार दृश्य बना हुआ है। और मंदिर का भी काम चल रहा है, ये ऊपर भी एक चीज़ है चबूतरा, मतलब कुछ धाम बनी हुई है, इनके नीचे समाधियां हैं, ये स्तंभ हैं,
और ये अभी जहाँ पूजा होती है आई थिंक कि वो ये मंदिर है, मैं कभी पहले आया नहीं हूँ, तो ये वो मंदिर है जहाँ पे अभी पूजा होती है। उनके अलावा यहाँ नीचे जीवित समाधियाँ हैं, उनके अलावा देखो आप यहाँ भी देख सकते हो कि बनी हुई है एक, वो एक ये सामने है अपने, एक उस साइड में समाधि है शायद नीचे ये बनी हो, और उनके अलावा ये स्तंभ, इनका आकार, ये मंदिर, और तीन जो हैं समाधियाँ वो यहाँ हैं, शायद ये समाधियाँ हैं या कुछ और है वो पता नहीं, लेकिन है ज़रूर। तो इन सब चीज़ों से आपको अवगत ज़रूर करवाया जाएगा। और ये मंदिर का जो दृश्य आप देख सकते हो कितना शानदार, मतलब इन लोगों ने बनाया है ये कला, ये पत्थर के अंदर डिज़ाइनिंग कर करके जो बनाया गया है, ऊपर का भी है हर एक चीज़, अभी भी इसका काम चल रहा है। एक बारीकी से देख सकते हो आप, मैं आप सबको दिखाऊंगा, ये देखो कितना बनाया गया, हर एक चीज़ का ख्याल रखा गया है, और बहुत ज़्यादा मंदिर में खर्चा भी हुआ है, और जिस हिसाब से मंदिर का काम चल रहा है, जिस हिसाब से लोगों की श्रद्धा है, बातें सुनने में आ रही है, लोग बता रहे हैं, तो उस हिसाब से ये पता चलता है कि मंदिर में मतलब एक बहुत तेजस्वी जगह है ये अपने आप में, और बहुत ज़्यादा पावरफुल पैलेस है। तो जो भी हो यहाँ आओ, एक बार विजिट करो, इन सब चीज़ों के बारे में पता करो। यहाँ आपको पुजारी जी मिल जाएंगे, अभी वो किसी काम से बाहर है लेकिन ज़्यादातर वो यहीं रहते हैं, तो आपको यहाँ मिलेंगे, सारी की सारी चीज़ें गांव वाले भी बताएंगे, तो हर एक चीज़ का जो रहस्य है आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं। और ये जो मैं आपको बता रहा था, तो पीछे भी कुछ चबूतरे बने हुए हैं, शायद उनका भी कोई रहस्य है, तो वो भी मैं जो कल वीडियो शूट करूँगा तो उसके अंदर आप सबके सामने सारा क्लियर कर दूँगा। तो ये जो ये गाँव है बीकानेर के डूंगरगढ़ तहसील में लिखमा देसर गांव है, तो आप यहां एक बार आओ विजिट करो, बहुत ही शानदार। अब आप मंदिर की डिज़ाइनिंग देख लो, मतलब जो बनने का स्टाइल है, पत्थर के अंदर कटिंग कर करके, पत्थर के अंदर डिज़ाइन डाल डाल के बनाया गया है ये स्तंभ, ये कितने स्तंभ हैं, इन स्तंभों के कारण हर एक चीज़, मतलब हर एक चीज़ के पीछे यहाँ रहस्य छुपा हुआ है। ये पार्क और सामने शमशान घाट है, वहाँ उस साइड में शमशान घाट है, लेकिन यहाँ कुछ लोगों को दफनाया जाता है, तो उनका जो है वो भी कोई होगा, कोई मतलब स्पेशल चीज़ें, मतलब एक हर तरह से किसी भी एंगल से इस मंदिर के बारे में पता चल रहा है, तो मतलब मुझे एक नया ही मिल रहा है, कुछ रोचक ही मिल रहा है। तो जो आगे वाला वीडियो होगा उसके अंदर आपकी सारी की सारी चीज़ें, अगर ज़्यादा बड़ा हुआ तो मैं उसका पार्ट बना के डालूंगा, अगर छोटा हुआ तो बिना पार्ट के डालूंगा, तो हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी। तो आप मेरे साथ में बने रहें और हर एक चीज़ के बारे में आपको जो है बिल्कुल बताया जाएगा। और अभी बाबा जी आने वाले हैं थोड़ी देर में, पुजारी जी से मेरी बात हुई है, तो पुजारी जी भी हमें इन सब चीज़ों की जानकारी देंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, ओम नमः शिवाय श्री दीरामानाथ जी महाराज, चेला श्री कुमानाथ जी का ना विक्रम। और जो है देखो, ये लैंग्वेज मेरे हिंदी इतनी आती नहीं है मुझे, जो भाषा लिखी हुई है शुद्ध मित्ती भादवा सुधी को जीवित समाधि ली हुई ब्राह्मण तिवाड़ी, ये जो जीवित समाधियाँ हैं, तो मतलब बहुत बहुत कुछ है यार यहाँ पे, जीवित समाधियाँ 3, 4, 5, उनके अलावा यहाँ भी जीवित समाधियाँ 6, 7, 8, 9 जीवित समाधियाँ हैं, तो वो हर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, हर एक चीज़ के ऊपर डिटेल लिखी हुई है। यहाँ भी जीवित समाधि, तो हर एक चीज़ के ऊपर डिटेल है, हर एक चीज़ है वो सारी की सारी लिखी हुई है। तो आप लोग मेरे साथ में बने रहो, और मैं जहाँ तक मैंने देखा है, मतलब मैंने बाहर से इस मंदिर को जब देखा था, मुझे लगा था कि ये कुछ रोचक है, मतलब ये जगह मेरे को बहुत प्यारी लगी। तो एक बार यहाँ आओ आप सब यहाँ आके घूमो और देखो, ये बहुत ही सुंदर दृश्य है, और जो काम चल रहा है मंदिर का बहुत ही सुंदर चल रहा है, ऊपर भी जो ऊपर की डिज़ाइनिंग है वो पत्थरों से बनाए जा रहे हैं। तो एक बार आओ विजिट करो, और एक बार फिर से चीज़ें नोटिस कर लो, ये मंदिर बना हुआ कहाँ है, ये है बीकानेर जिले के डूंगरगढ़ तहसील का लिखमी देसर गांव है, वहाँ पे ये सब चीज़ें बनी हुई है, ये इतना बड़ा मंदिर है, 9 जीवित समाधियाँ हैं, और इसके पीछे बहुत सारे रहस्य हैं, तो मैं आपको हर एक चीज़ें ना उनसे अवगत करवाऊँगा। तो मेरे साथ में बने रहना, तो अभी चलते हैं हम, और आगे वाले वीडियो में आपको हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे। आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि इस मंदिर का जो रहस्य है कितना, मतलब रहस्यमयी चीज़ें हैं, रहस्यमयी जगह हैं, 9 जीवित समाधियाँ। मेरे को सबसे आश्चर्यचकित ये चीज़ लगी, एक मंदिर में 9 जीवित समाधियाँ, उसके पीछे भी कुछ लोगों को दफनाया जाता है, यानी बहुत बड़ा रहस्य यहाँ छुपा हुआ है। तो इस वाले ब्लॉग में इतना ही, बाकी जो सारी की सारी जानकारी है मैं आपको आगे वाले ब्लॉग में दूंगा, और जो मुझे पुजारी जी या गाँव के जो बुजुर्ग लोग मिलते हैं तो मैं उनसे भी पूछ के आपको हर एक चीज़ के बारे में बताऊँगा। तो बने रहना मेरे साथ में, और एक बार यहाँ विजिट ज़रूर करना आप लोग। आप लोग बाहर से भी ये जो मंदिर का व्यू है, ये पीछे का साइड है, तो आप लोग यहाँ से भी इस मंदिर के व्यू को देख सकते हो कि कितना शानदार है ये, और ये इनकी लोकेशन है मंदिर की, तो
कितना मतलब सुंदर, दिखने में कितना सुंदर है, तो मैं आपको ये चीज़ें दिखाता रहूँगा। और ये जो मंदिर का है, यहाँ रुकी थी वो आर्मी जिसके बारे में बताया जा रहा था, यहाँ आर्मी रुकी थी और उन्होंने एक मोर जो है वो मार दिया था, तो कि पूरी की पूरी जो आर्मी है वो ब्लाइंड हो गई थी, मतलब आंखों से अंधी हो गई थी। वो इस मंदिर का ही कुछ रहस्य है, तो ये सब चीज़ें आपको कल मैं दिखाता हूँ। तब तक आप लोग मेरे साथ में बने रहिए। लव यू ऑल, मिस यू ऑल, और लाइक शेयर कमेंट कर दो। ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।